हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर पे चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है BCL इंटरप्राइजेज लिमिटेड। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, जैसा कि नाम है BCL इंटरप्राइजेज लिमिटेड। 1985 में निर्मित BCL इंटरप्राइजेज लिमिटेड NBFC व्यवसाय में है, यानी कि इसका कामकाज है NBFC से रिलेटेड। व्यवसाय अवलोकन जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, कंपनी प्रतिभूतियों में निवेश और ऋण और अग्रिम प्रदान करने के व्यवसाय में है। यह एक गैर प्रणालीगत महत्वपूर्ण गैर जमा स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में पंजीकृत है। पूंजी संरचना में परिवर्तन। वित्त वर्ष 2012 में कंपनी ने अपने शेयरों को रुपए से विभाजित किया, 10 रुपये प्रत्येक से रुपये 1 रुपये प्रत्येक, और बाद में कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रुपये से बढ़ा दी गई 6 करोड़ से रुपये 12 करोड़। 14 मार्च 2022 को कंपनी ने 1 रुपये के 5.83 करोड़ इक्विटी शेयर आवंटित किए, 1 रुपये प्रत्येक बोनस शेयर के रूप में, और परिणाम स्वरूप कंपनी की पेड अप शेयर पूंजी रुपए से बढ़ गई 5.83 करोड़ से 11.66 करोड़। अच्छा, जैसा कि इसका राजस्व ब्रेकअप फाइनेंशियल ईयर 2022, ऋण पर ब्याज 1%, अन्य शुल्क 25%, शेयरों की बिक्री 65%, भविष्य और विकल्प 6%, संदिग्ध संपत्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान का उल्टा 3% है। 14 फरवरी 2023 को कंपनी ने अपने पंजीकृत कार्यालय को वाराखंबा रोड नई दिल्ली से करोल बाग नई दिल्ली में स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी। श्री श्याम लाल ने 22 जुलाई 2021 को कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया और 21 जनवरी 2022 को फिर से नियुक्त हुए। तो पहले तो ये इस्तीफा दे दिए और फिर से नियुक्त हो गए, तो ये इस कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है मेरे आइडिया अनुसार। अब चलते हैं इसके मुख्य डाटा पर। जैसा कि नाम है BCL इंटरप्राइजेज लिमिटेड, BSE कोड है 539621, 93 पैसा पर ट्रेड कर रही है ये कंपनी का शेयर, जिसका कि मार्केट कैप 10 करोड़ 80 लाख का है, करेंट प्राइस 93 पैसा, जो कि बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे में ट्रेड कर रही है। 52 बिक का हाई लो देखते हैं तो 1 रुपया 99 पैसा और 91 पैसा, 91 पैसा लो है और 1 रुपया 99 पैसा हाई है एक साल के अंदर में। स्टॉक पी कुछ भी नहीं है, ये स्क्रीनर के वेबसाइट पे है। डिविडेंड कुछ भी पे नहीं कर रही है। ROC और ROE ये तो एक साल का दर्शाया जाता है, जिसमें कि ROC -4.36% है और ROE -5.81% है। फेस वैल्यू 1 रुपया। रिटर्न ओवर 5 ईयर्स का अगर देखते हैं तो 5.25% है। रिटर्न ओवर 3 ईयर्स का तो माइनस में है 1.05%। ROE 3 ईयर्स का 29.1% है, बहुत अच्छा है। रिटर्न ओवर 1 ईयर का अगर देखते हैं तो माइनस में 42.6% है। ROE 5 ईयर्स का 20.2% है। प्रॉफिट बार 5 ईयर्स कुछ भी नहीं है।
सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स का अगर देखते हैं तो 18% का है, प्रॉफिट बार 3 ईयर्स का तो माइनस में 1.14%, सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स का अगर देखते हैं तो 176% का है, ये बहुत अच्छी बात है। रिटर्न ओवर 6th मंथ का तो माइनस में है 31.6%, रिटर्न ओवर 3 मंथ्स का अगर देखते हैं तो माइनस में 14.7% है। पीजे रेशियो कुछ भी नहीं। इंटरप्राइज वैल्यू 10.7 यानी कि 10 करोड़ 70 लाख का है, प्राइस टू सेल्स 8.34 है। जैसा कि 1 ईयर का चार्ट है तो बीच में ये 2 टाइम ऊपर की तरफ गया था, एक बार दिनांक 31 जनवरी 2023 को और दूसरा है 13 अप्रैल 2023 को। उसके बाद से धीरे 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 ये लो ट्रेंड में ही आ रहा है, जो कि लास्ट आज का 93 पैसा है 9 नवंबर 2023 का। ये 1 ईयर का चार्ट है, प्राइस चार्ट। और अगर मैक्सिमम चार्ट देखते हैं तो इस प्रकार है, जो कि मैक्सिमम प्राइस 5 रुपया 13 पैसा है 22 अप्रैल 2022 को इस स्क्रीनर के वेबसाइट पे। तो चार्ट देखने से तो ऐसा लगता है कि हो सकता है ये कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दे अब, लेकिन आगे भी कुछ मुख्य बिंदु है जिसको कि देखने के बाद में समझ में आएगा कि कंसोलिडेट नहीं करेगा ये अप ट्रेंड बना सकता है मेरे आइडिया अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट करने का मेरा कोई भी सलाह नहीं है, इन्वेस्टमेंट करें तो अपने सूझबूझ और बुद्धि विवेकानुसार ही। आगे चलते हैं दोस्तों। इस शेयर में प्रोज 3 है और कॉन्स 2 है। प्रोज है कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है, और दूसरा है स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.07 टाइम्स यानी कि काफ़ी कम रुपए पर ट्रेड कर रही है अपने बुक वैल्यू से, और तीसरा है कंपनी है जो गुड रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर्स आरओई 29.1% का है, तो काफ़ी अच्छा है। और कॉन्स में है प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए कि प्रमोटर होल्डिंग 9 के बराबर होना, तो 3.15% ये 9 के बराबर ही माना जा रहा है, कम से कम 51% हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा है वर्किंग कैपिटल डेज हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 4.63 डेज टू 65.1 डेज, तो ये डिक्रीज हुआ है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वार्टरली रिजल्ट, तो इसमें सितंबर 2023 का क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है, जिसमें कि सेल्स 39 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर के अपेक्षा 63% की बढ़ोतरी हुई है सेल्स में, और एक्सपेंस में 50% की बढ़ोतरी हुई है। एक्सपेंस हुआ 15 लाख का, जिसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 24 लाख का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 61.54% का, डिप्रिसिएशन 1 लाख का है, इंटरेस्ट कुछ भी पेड नहीं किया, अदर इनकम कुछ भी नहीं हुआ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 23 लाख का और टैक्स पेड किया 17.39% का, नेट प्रॉफिट टैक्स के बाद में जो आया 19 लाख का, अर्निंग पर शेयर देखने लायक है 16 पैसा है इस क्वार्टर में, जबकि शेयर प्राइस 93 पैसा है। तो 93 पैसे का शेयर हो और उसका क्वार्टर में ईपीएस 16 पैसा है तो काफ़ी बेहतर होता है मेरे आइडिया अनुसार,
बाकी इन्वेस्टमेंट करे तो अपने सूझबूझ के अनुसार ही, इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं है। ये जो अर्निंग पर शेयर माइनस में है 47 पैसा, यही है जो कि मार्च 2023 के रिजल्ट में है, जिसके वजह से लास्ट 12 मंथ का ईपीएस माइनस में है, जो कि यहाँ पर देख लीजिए माइनस में 13 पैसा, उसी के वजह से। ऐसे ही है पिछले 2 क्वार्टर से, मतलब अभी जो क्वार्टर रिजल्ट आया है उसमें और उससे पहले क्वार्टर वाला रिजल्ट में अच्छा ही किया है। तो अगर ये जिस तरीके से 2 क्वार्टर में प्लस में आया है रिजल्ट, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वार्टर में भी अगर प्लस में आए तो ये शेयर काफ़ी बेहतर होगा इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से। ये मेरा सोचना है अपने लिए। अब जैसा कि आपको बैलेंस शीट दिख रहा होगा सितंबर 2023 के, शेयर कैपिटल है 11.66 करोड़ 66 लाख का, रिजर्व इसके पास 3 करोड़ 95 लाख का है, जो कि मार्च 2023 में था रिजर्व में 3 करोड़ 71 लाख का, उससे तो बढ़ करके हुआ है इस बार। लेकिन मार्च 2022 में जो इसके पास रिजर्व था 4 करोड़ 63 लाख का, तो उससे घटने के बाद में ही मार्च 2023 में 3 करोड़ 71 लाख रिजर्व बच गया था। तो पहले तो घटा, फिर उसके बाद में इस क्वार्टर में इसका रिजर्व बढ़ गया है। तो प्रॉफिट में रिजल्ट आया है, जिसके वजह से इसके पास रिजर्व भी थोड़ा सरप्लस रहा, और ब्रोइंग कुछ भी नहीं है। अदर लाइबिलिटीज 15 लाख का है, जो कि पिछले क्वार्टर में ही, यानी कि मार्च 2023 में अदर लाइबिलिटीज था 11 लाख का, तो थोड़ा सा अदर लाइबिलिटीज की बढ़ोतरी हुई है। फिक्स एसेट में 1 लाख की घटोतरी है, यानी कि घटा है, और इन्वेस्टमेंट में भी 7 लाख का घटाव है, अदर एसेट में बढ़ोतरी है, जो कि 14 करोड़ 75 लाख से बढ़ करके 15 करोड़ 11 लाख पे जा चुका है। टोटल एसेट में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है, जो कि लाख में है, 15 करोड़ 48 लाख से बढ़ करके 15 करोड़ 76 लाख हो गया है। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं, यानी कि सरप्लस तो हुआ नहीं, लेकिन बस क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया है, ये मेरा मानना है। नेट कैश फ्लो जो कि मार्च 2023-22 में 3 लाख का था, अभी मार्च 2023 में 27 लाख का नेट कैश फ्लो है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास में 3.15% है, पब्लिक के पास में 96.85% है। पब्लिक के पास में काफ़ी ज़्यादा शेयर होल्डिंग है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 45,835 ऐसे व्यक्ति है जो कि इस कंपनी के शेयर लिए हुए हैं सितंबर 2023 के अनुसार। इस कंपनी में, जैसा कि स्क्रीनर के वेबसाइट पर दिखाया गया है, 3 न्यूज़ है। बोर्ड मीटिंग, पहला है बोर्ड मीटिंग आउटकम, फॉर आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग ऑफ हेड ऑन हेल्ड ऑन 9 नवंबर 2023। दूसरा है आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग ऑफ हेल्ड ऑन 9 नवंबर 2023। और तीसरा करके है डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 23(9) ऑफ द सेबी LODR रेगुलेशन 2015। तो तीसरा पर ही नज़र डालते हैं थोड़ा। तो
तो तीसरा न्यूज के अनुसार, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यही है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन फॉर हाफ ईयर एंड सिक्स मंथ एंडेड सितंबर 30, 2023। इसके अनुसार है, सीरियल नंबर 3 है, 123, पैन नंबर डिटेल है, नाम वगैरह है। वैल्यू ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एज अप्रूव्ड बाय द ऑडिट कमेटी, उसके द्वारा। फर्स्ट वाले को तो अप्लीकेबल है, लेकिन सेकेंड और थर्ड का नॉट अप्लीकेबल है। वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, एक है 87,000 का, दूसरा है 2,10,000 का, और तीसरा है 1,20,000 का। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है। तो ये है लास्ट न्यूज। जैसा कि दोस्तों BSEIndia.com वेबसाइट पर दिख रहा होगा, 93 पैसा पर, मतलब लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है BCL इंटरप्राइजेज लिमिटेड का। यहाँ पर भी पावर मीक का हाई लो वही है, 1.99 रुपया और 91 पैसा लो है। नीचे देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो ये भी वही बता रहा है। आज का डिलीवरी पोजीशन देखते हैं तो काफ़ी बेहतर है। आज का डेट है 9 नवंबर 2023, क्वांटिटी ट्रेडेड 482,161, जिसमें कि डिलीवरी में उठाया गया है 382,749। डिलीवरी परसेंटेज है 79.38% का। ये किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी बेहतर होता है कि डिलीवरी परसेंटेज अगर 50+ रहे तो बहुत अच्छा होता है, और इसमें तो 79% है, तो काफ़ी बेहतर है। बाकी रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है, लेकिन इसमें डाउन ट्रेंड बना है, ये मुझे कुछ रास नहीं आ रहा है। बाकी अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने बुद्धि विवेक और सूझबूझ के अनुसार ही करें। मेरा इन्वेस्टमेंट का कोई भी सलाह नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।